भगवान, आज मैं आपसे आपके पेन के बारे में बात करूंगी। जी हाँ, हर बार की तरह मैं जय मदान आपसे बात करूंगी आपकी लाइफ और आपके लक की। अगर हम लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज साइन करते हैं तो सबसे पहले अपना पेन साथ लेकर जाएं। अपने पेन को अपने साथ में रखने से आपका मर्करी स्ट्रांग होता है। बेसिकली हमें पेन किस कलर का लेना चाहिए, क्या हमें जो पसंद आए वो। इंक तो देखिए, बहुत नॉर्मली अगर हम देखें तो ब्लू एंड ब्लैक यूनिवर्सली चलती है। कई बार लोग रेड भी यूज़ करते हैं, ग्रीन भी यूज़ करते हैं, विच यू कैन एज पर योर नंबर। जी हाँ, आज पेन और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन आपको बताते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, एज इन आप किसी भी मंथ के 1st, 10th, 19th या फिर 28th को अगर आपका बर्थ हुआ है ऑफ एनी मंथ, तो आप जब उस डिजिट को ऐड करेंगे तो आपका नंबर 1 बनेगा। अगर आपका नंबर 1 है तो आपको ऐसा पेन यूज़ करना है जिसमें कहीं ना कहीं गोल्डन कलर ज़रूर हो। दैट विल मेक योर लाइफ सो गुड। सिमिलरली अगर आपका नंबर 2 है, आपको ऐसा पेन यूज़ करना है जिसमें सिल्वर कलर या वाइट एलिमेंट ज़्यादा हो। नंबर 3 है अगर आपका, तो आपको फिर ऐसा पेन यूज़ करना है जो दिखने में गोल्डनिश लुक में ज़्यादा हो। नंबर 4 है आपका, योर कलर इज़ ब्राउन, आपको ब्राउन कलर यूज़ करना चाहिए। नंबर 5 है आपका, तो आपके पेन में अगर ग्रीन एलिमेंट हो या इंक ग्रीन हो, इट कैन मेक योर लाइफ सो इजी। नंबर 6 है अगर आपका, तो शिमरिंग पेन होना चाहिए, आपके पेन में कहीं डायमंड लगा होना चाहिए, जैसे कि ऐसे। तो नंबर 6 है अगर आपका, मेक श्योर दैट यू हैव अ डायमंड इन योर पेन और इट्स शिमरिंग। नंबर 7 है अगर आपका, तो आपको ग्रेइश टोन के पेन यूज करने चाहिए। नंबर 8 है, ब्लैक कुड बी द परफेक्ट पेन फॉर यू, ब्लैक और नेवी ब्लू। और अगर 9 है आपका नंबर, नीडनेस टू से आपको रेड कलर का पेन यूज़ करना चाहिए। बट पिकिंग अप द पेन, क्योंकि हम मैक्सिमम चीज़ें अपने ही पेन से साइन करते हैं, हम हर समय उसको अपने पास, स्पेशली यू नो मैन, अपने पास हैंग करके रखते हैं। सो इस कलर की एनर्जी आपकी लाइफ में, इंपॉर्टेंट चीज़ों में, डॉक्यूमेंटेशन में, साइनिंग में, आपकी अथॉरिटी में, आपकी बैंकिंग में, हर चीज़ में आपके लक को एनहांस करेगी। Why don't you try and feel the difference? I hope to see you soon.